बपतिस्मा ग्रहण करने से हमें पापों से मुक्ति मिलती है। पहले आदि पाप से अर्थात ओरिजिनल सिन से हमें मुक्ति मिलती है, और दूसरी बात, हमें व्यक्तिगत पापों से भी मुक्ति मिलती है। प्रेरित चरित ग्रंथ के दूसरे अध्याय के 38वें वाक्य में हम पढ़ते हैं, आप लोग पश्चाताप करें, आप लोगों में प्रत्येक अपने अपने पापों की क्षमा के लिए ईसा के नाम पर बपतिस्मा ग्रहण करें, इस प्रकार आप पवित्र आत्मा का वरदान प्राप्त करेंगे। और प्रेरित चरित ग्रंथ के 22वें अध्याय के 16वें वाक्य में भी हम पढ़ते हैं, उठकर बपतिस्मा ग्रहण करें और उनके नाम की दुहाई देकर अपने पापों से मुक्त हो जाएं। तो बपतिस्मा हमें पापों से मुक्ति देता है। यदि बच्चे बपतिस्मा को ग्रहण करते हैं तो उन्हें ओरिजिनल सिन से आदि पाप से मुक्ति मिलती है, और व्यक्तिगत पाप तो बच्चे कर नहीं सकते, क्योंकि पाप करने के लिए सोच विचार करना, एक फैसला करने की क्षमता होना, ये सब जरूरी होता है। यदि बड़े लोग यदि बपतिस्मा ग्रहण करते हैं तो उन्हें ना केवल आदि पाप से भी मुक्ति मिलती है, उन्हें उनके द्वारा जीवन काल में किए गए हर व्यक्तिगत पापों से भी मुक्ति मिलती है। तो बपतिस्मा हमें पापों से मुक्ति दिलाता है।